मैं उप निदेशक उद्यान ने महारानी विक्टोरिया का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पढ़ा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आ चुके हैं प्रयागराज के कंपनी गार्डन, यानी कि जिसे हम चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम से भी जानते हैं। और यह पार्क जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, ये उसी के लिए जाना जाता है। हम उस स्थान को भी दिखाएंगे अभी हम, जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। और आज यहाँ पर फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है, तो हम इसी के लिए आए हैं आप लोगों को फूलों की प्रदर्शनी दिखाने के लिए। यहाँ पर हजारों किस्म के रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, जिसे आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और कैसी सुंदरता यहाँ पर बिखेरी गई है। तो आइए हमारे साथ। तो ये है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का मुख्य गेट। अब चलिए इस पार्क के अंदर चलते हैं और आपको इसकी खूबसूरती से रूबरू करवा। अंदर आते ही फूलों से सुसज्जित यह पहला गेट मिला। दो स्पैरो यहाँ पे बनी हुई हैं फूलों से, और ये है दो हाथियाँ बनी हुई हैं, ये डेजी के फूलों से बनी हुई हैं। और आगे अब अंदर चलते हैं इसके हम। ये देखिए यहाँ पर फूलों से सजी हुई एक डॉल है, बहुत खूबसूरत लग रही है। यह प्रदर्शनी प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत में 3 दिनों के लिए लगती है। ये फूलों से सुसज्जित बटरफ्लाई जो कि पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। और ये गौतम बुद्ध जी हैं, इनको भी फूलों से बनाया गया है। और यहाँ पर हाथी है, इस तरह के बहुत सारे जानवर बने हुए हैं, जैसे कि ये गाय है और ये हिरन है, जहाँ पर लोग आकर सेल्फी ले रहे हैं इनके पास। और ये लाइन से आप देख सकते हैं, जिराफ है, ऊँट है, खरगोश है, कंगारू है, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और इधर का व्यू आपको हम दिखाते हैं, ये है पूरा सेंट्रल, इस गार्डन का पूरा मुख्य केंद्र है, पूरा ओवर व्यू देख सकते हैं आप। तो चलिए अब आपको यहाँ लगे फूलों से रूबरू कराते हैं। ये है पैंसी फ्लावर, पौधे बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और आगे ये है लेनेरिया मोरक्काना, जो कि बहुत खूबसूरत है, पिंक वाइट में है। और ये फूल जिसे हम रेड स्टार फ्लावर नाम से जानते हैं, ये कई रंगों में है, जैसे कि ये पर्पल है, पिंक है, तो ये उसी की प्रजातियां हैं। ये वाइट भी है इसी में, वाइट स्टार फ्लावर। और ये है आपका रेड शाल्विया फ्लावर, थोड़ी इसकी लंबाई ज़्यादा है लेकिन ये भी अच्छे लग रहे हैं। ढलता हुआ शाम का मौसम है और की खूबसूरती अलग ही दिखती है। और इसको तो सभी लोग जानते होंगे, ये है डहेलिया फ्लावर, सबने देखा भी होगा। और ये प्यारा सा फूल जिसे हम पर्पल डेजी फ्लावर के नाम से जानते हैं। और इसके ठीक बगल में ये लगा हुआ है नास्ट्रेशियम का फ्लावर, जो कि लता के रूप में फैला हुआ है। और ये वाइट कलर का फूल है जिसे हम वाइट पिटोनिया के नाम से जानते हैं। और ये सब इसी फूल के अलग अलग रंग की प्रजातियां हैं। और ये है कैलिफोर्नियन पपीज। और आगे यहाँ पर जितने भी पर्यटक आए हुए हैं प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे हैं। और ये रेड साल्विया का फूल है जिसे आपने कुछ देर पहले देखा भी था। आपको जब भी ऐसे प्रदर्शनियों में जाने का मौका मिले तो आप इस प्राकृतिक खूबसूरती को देखने जरूर जाएं, जिसका एक अलग ही आनंद है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री संजय श्रीनेत के द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जा रहा है। और यहाँ पर जिला अधिकारी, शहर सिटी मजिस्ट्रेट, सब लोग उपस्थित हैं। अब मैं उप निदेशक उद्यान प्रयागराज मंडल प्रयागराज से अनुरोध करूंगा, अतिथि गणों के द्वारा किया जा रहा है। Oh,
पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश का मेरा, वो भारत देश का मेरा। यहाँ पर जनता उद्घाटन समारोह को बैठकर देख रही है, और इधर आपको पीछे दिखाते हैं, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। गार्डन बहुत बड़ा है और रात भी हो चुकी है, शाम के 6 बज चुके हैं। तो चलिए आपको हम कुछ और दिखाते हैं। ये सेल्फी पॉइंट है, इंडिया मैप है, उसके पीछे लोग ले रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह के जो घरों में सजावटी पौधे होते हैं उनको रखा गया है, और उनको कुछ अच्छे तरह से सजाया भी गया है। और ये है संतरे का छोटा सा पौधा, जिस पर बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं, जो कि अपने आप में एक रोचक है। और ये छोटा सा बरगद का पेड़ है, ये भी एक छोटे से गमले में आ गया है। ये सारे पौधे प्राकृतिक विविधता के सुंदर नमूने हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के कैक्टस के पौधे हैं, और ये भी एक सजावटी पौधा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे सजावटी लगे हुए हैं। आपको इनमें से कौन पसंद आया आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं। ये विभिन्न तरह की जो दालें होती हैं उनके द्वारा महिला अधिकारों को दिखाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं, राइट, फ्रीडम, फ्यूचर, बहुत सारी बातें हैं। और ये थाल में सजाई गई मोर है, और ये श्री कृष्ण जी का फोटो है। यहाँ के निवासियों ने ही ये सब बना करके यहाँ पर रखा हुआ है। और इस टेंट में सैकड़ों किस्म के फूल हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं। केवल फूलों को लगाया गया है, इनके पूरे पौधे नहीं हैं। ये भिन्न भिन्न तरह के फूल हैं, सबके नाम लिखे गए हैं। इतने सारे फूल हैं कि अब पढ़ना मुनासिब नहीं है हमारे लिए, तो आप बस देख लीजिए, भिन्न भिन्न तरह के हैं। आप जो भी इसमें से पहचानते हों उन्हें आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। और इधर ये डहेलिया की विभिन्न प्रजातियां हैं, जो अलग अलग रंगों में हैं। और आगे चलिए दिखाते हैं क्या है ये। और इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसके कई रूप हैं। गेंदे का फूल है ये, और ये पता नहीं किस चीज का फूल है, मुझे नहीं पता। और ये भी स्वीट सुल्तान इसका नाम लिखा गया है, तो इसकी भी अलग सुंदरता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। नज़दीक से देखने में तो उसकी बात ही मत पूछिए। और ये इलाहाबाद की पहचान, इलाहाबादी अमरूद, जो भिन्न भिन्न प्रजातियों के हैं। यहाँ पर सबको अलग अलग प्लेट में रखा गया है। और आगे जो ये दिख रही है बेर हैं, इसके भी कई प्रजातियाँ हैं, छोटे बड़े जितनी भी प्रजातियाँ हैं। ये पूरा टेंट साग सब्जी से संबंधित चीज़ों का है, जैसे यहाँ आंवले हैं, प्रतापगढ़ का आंवला फेमस है। और ये छोटे छोटे संतरे के फल हैं, अभी कुछ देर पहले आपने इसे एक पेड़ में लगे हुए देखा था। और ये बेल है, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, ये भी कोई संतरे की प्रजाति है। और इधर ये स्ट्रॉबेरी है, और ये पता नहीं क्या, इसका नाम तो नहीं लिखा था। और इधर ये संतरा है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। और ये ड्रैगन फ्रूट है, और ये बैगन के भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं। और यहाँ पर पत्ता गोभी, और ये गांठ गोभी है। और यहाँ पालक की कुछ प्रजातियां हैं, ये टमाटर हैं भिन्न भिन्न प्रजातियों के, और ये छोटा सा चेरी टमाटर है, जिसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी सी मूली है, लगभग 2.5 फीट की। और ये गोभी पिंक कलर की, जो कि अद्भुत है अपने आप में। और ये टमाटर बिल्कुल बल्ब की तरह दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी एक टमाटर है, जो कि गुच्छेदार है, अंगूर की तरह फड़ा हुआ है। और यहाँ पर आलू की भिन्न भिन्न प्रजातियाँ हैं, जैसे ये जामुनी रंग का आलू है, वहाँ लाल रंग का आलू दिख रहा है आपको, और यहाँ पर काले रंग का चना ही है। और यहाँ पर ये काला नमक चावल है, जो कि सिद्धार्थ नगर का जीआई टैग मिला हुआ है। पाइनएप्पल जूस बनाने में सर बहुत मेहनत लगती है आपको, इसमें केवल आपको स्लाइस करना है सर, किसी भी शेप में, इस तरह से लौकी, कद्दू, पाइनएप्पल, आप किसी भी शेप में सर इसमें स्लाइस टुकड़ा करके रखिए और प्रेस कर दीजिए। आप जो भी रहेगा सर, वन टाइम में जूस रहेगा, वन टाइम में सुखा देगा सर, जो कांटा रहेगा छिलके में रहेगा सर।
और यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह की कैंडी मिल रही है। इस तरह यहाँ मार्केट भी लगी हुई थी, बहुत सारी लोग खरीद रहे थे और ये फूलों का ढेर लगा हुआ है। इस तरह से कई ढेर लगे हुए, जैसे आप यहाँ सामने देख सकते हैं लंबाई तक, इसमें भिन्न भिन्न तरह के फूल हैं। और इसी गार्डन में प्रतिदिन शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच लाइट एंड वाटर शो चलता है, जिसे आप आकर यहाँ देख सकते हैं। इसकी कुछ झलकियों को आपको हम दिखाते हैं। परंतु इन युद्ध की वजह से इलाहाबाद एक दिन के लिए ही सही भारत की राजधानी बना। वो दिन था 1 नवंबर 1858। उस दिन प्रयागराज के मिंटो पार्क में एक शाही दरबार लगा था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पढ़ा। आजाद ने प्रण लिया था कि वो हमेशा आजाद रहेंगे। उन्होंने अपना प्रण निभाया और वो हमेशा आजाद ही रहे। उन्होंने अपने पास बची आखिरी गोली से अपने प्राण न्योछावर कर अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान दे दिया। स्वतंत्र भारत का सपना अपने दिल में लिए वो शहीद तो हो गए, लेकिन हिम्मत और बहादुरी की मिसाल चंद्रशेखर आजाद हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, आज का सफर बस यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।